Rahman Rahim, Assalamu alaikum 8 class. Hope so all of you are fine. Today is 16 July 2020 and Thursday. Now the time of English lecture and lecture number is 5. Dear students, note on your today's diary. Learn story Fox and Crane, book page number 295. Now open your book page number 295, The Fox and Crane. ये स्टोरी एक फॉक्स एंड क्रेन की है जिसमें उनकी आपस में फ्रेंडशिप होती है और अब एक दूसरे को वो है जो डिनर पे इनवाइट करते हैं या खाने पे इनवाइट करते हैं तो वो किस तरह से वो उनके साथ बिहेव करते हैं और फिर किस तरह से जो है वो उनकी दोस्ती ख़राब होती है हम ये पढ़ेंगे इसमें द फॉक्स एंड क्रेन वर फ्रेंड्स फॉक्स एंड क्रेन जो हैं वो आपस में दोस्त हैं वन डे द फॉक्स invited his friend to dinner. He prepared some soup and served it in a flat dish. ठीक है वो उससे जो है वो सूप देता है और वो भी एक फ्लैट डिश में तो क्रेन कुड नॉट ईट एनी थिंग विद हीज लॉन्ग बीक वाइल द फॉक्स इन्जॉयड हार्टी जो क्रेन है उसकी जो चूँच है वो लंबी होती है बीक जो है वो लंबी होती है और वो फ्लैट डिश में से कैसे वो सूप पीता ठीक है उसे सूप ना पिया गया लेकिन उसका जो दोस्त है फॉक्स वो उसने बड़े ही दिल से इसको एंजॉय किया खाने को द क्रेन वांटेड टू टीच अ लेसन टू हिज फ्रेंड क्रेन ने तभी डिसाइड कर लिया कि वो अपने दोस्त को जो है वो सबक सिखाएगा ही इनवाइटेड द फॉक्स टू डिनर उसने फॉक्स को जो है वो खाने पर बुलाया ही पुट बॉयल्ड राइस इन अ जार विद अ नैरो नेक ठीक है उसने जार में जो है वो उसे चावल सर्व किए थे तो वो जार में से अब फॉक्स कैसे खाता द फॉक्स रिमेन्ड हंग्री एज हिज हेड कुड नॉट पास थ्रू द नेक फॉक्स जो है वो भूखा ही रहा क्योंकि उसका जो है वो नैरो उसके जो नेक है वो नैरो जार में से नहीं थी गुजर सकती ठीक है द क्रेन पुट हिज बीक इन टू द जार एंड इन्जॉयड अ गुड डिनर क्रेन ने क्या किया अपनी बीक जो है अपनी जूं जो है वो जार में डाली और उसने खाने को इन्जॉय किया लुत्फ़अंदोज हुआ द फॉक्स फेल्ट अशेम्ड एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड फॉक्स जो है वो शर्मिंदा हुआ अपने इस बिहेवियर पे और वो वापस चला गया ठीक है फॉक्स एंड क्रेन हमारा मेन टाइटल है लेकिन इसमें हमने इसका जो मॉरल है वो टिट फॉर टैट भी बन रहा है होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट एंड लर्न इट हार्डली ओके अल्लाह हाफिज़ टेक केयर